मुकुंद भाई, गणेश चतुर्थी आने वाला है, आपको पता ही है, और इस समय मूर्तिकारों का भी काम बढ़ जाता है। तो आज हम एक ऐसी मूर्तिकार के पास जा रहे हैं जो कि काफ़ी चर्चित है हमारे आसपास के क्षेत्र में। बहुत दूर दूर से उनके पास मूर्ति लेने आते हैं लोग। तो ठीक है, बिल्कुल हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ककोड़ी हमारे गांव में आए। मेरा नाम दीनू घाटा है और हमारा जो मूर्तियों का जो कारोबार है करीब 60-65 वर्षों से चल रहा है। तो गाइज, अभी हम लोगों ने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया है, जो बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना कलाकारी दिखाया हमको जी। मैं काफी इम्प्रेस हुआ। हाँ, तो उसका आपका वीडियो जो पूरा इंटरव्यू है काफी अच्छा, उन्होंने डिटेल से बताया अपने उसका आर्ट का, भुवन आर्ट्स जो कि हम यहाँ आए हुए ककोड़ी में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू है। गणेश चतुर्थी के पहले अपनी मूर्तियों को कैसे तैयारी करते हैं, कितने समय पहले और कितना उसको मेहनत करना पड़ता है, सब उन्होंने अच्छे से बताया और किस तरह से बनाया जाता है पूरी प्रक्रिया बताई। बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू, आप जरूर देखें। मुकुंद भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप बताओ। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, जो एजुकेशन था उन्होंने हम लोग को खुल के बताया सारा चीज कि भैया कैसे क्या क्या। मैं उन्होंने आपका हर चीज़ फोटो वोटो दिखाया, वो हम आपको लिंक में दिखाएंगे सारा चीज़ उनका। जो भी इंटरव्यू है काफ़ी एजुकेटेड थे और मुझे अच्छा लगा कि वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। और श्रीमान जी, आप बताओ कैसा लगा? मुझे भी बहुत उनका वो जो देख के अच्छा लगा, अपने काम के प्रति काफी डेडिकेटेड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कई लोग होते जो पैसे के लिए ये बिजनेस करते हैं, बिजनेस ये सारी चीज़ों को करते हैं, पर वो इन सारी चीज़ों में नहीं थे। तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे इंसान भी थे, काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार है। मुझे लगता है कि आप सभी को भी उनका वीडियो इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए, काफ़ी बढ़िया बनाया बताया उन्होंने मुकुंद भाई, है ना। और लगता है हमारा आना भी काफ़ी बढ़िया रहा और आप भी अगली बार उनको सेवा का मौका जरूर दें जी। गणेश चतुर्थी को हम लोग डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल देंगे, अगर आपको कभी भी किसी भी फेस्टिवल का, अगर गणेश चतुर्थी तो निकल गई है लेकिन आने वाले फेस्टिवल आएंगे, नवरात्रि आ रही है, तो उसके लिए आप उनको एक मौका जरूर दे सकते हैं जी। काफ़ी बढ़िया रहा, जरूर देखें एक बार। तो मुकुंद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, प्यारे भाइयों को, साथियों को? गाइज, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करने वाले हैं और आप लोग कमेंट करके प्लीज बताइए कि हमको नेक्स्ट HF डिलक्स सीरीज में कहाँ जाना चाहिए हमारे राजनांदगांव क्षेत्र के। तो तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर होने पर हमारे प्यारे मुकुंद भाई अपने लाइव की स्टोरी सुनाने वाले हैं, जो कि आप सभी को लाइव हमारे इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो अगर आप 1000 सब्सक्राइबर करते हैं जल्द से जल्द, तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए। और उसके पहले 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और उसके बाद हमें सुनने को मिलेगा मुकुंद कुंजाम की लाइफ स्टोरी, जो कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, बहुत कुछ देखा सुना है, वो आपको खुद बताएंगे काफ़ी ब्रेवरी के साथ। तो उसके लिए भी तैयार रहें, कमेंट कर जरूर बताएं कि अगला HF डिलक्स सीरीज राजनांदगांव जिले के अंदर हम कहाँ पे कर सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।